चल पड़ो तो कितना दूर छू मैं इतना करे चल पड़ो दूर सपनों का बुना स्वेटर समोर सफेद बादलों के पास मेरा जहां
गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। मैं हूँ आरजे नरेश और ये प्रोग्राम है दिल से दिल तक सीजन 4। और हर बार की तरह ठीक 10 बजे यानी कि जुम्मे रात को रेडियो उड़ान पे हम अनोखा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं ब्रांड न्यू शो, किसका? दिल से दिल तक सीजन 4 का। आज भी एक ब्रांड न्यू शो के साथ मैं आपके साथ हुई यहाँ पे और करनी है बहुत मजेदार बातें, बहुत सारी बातें आपके साथ। और बातें मजेदार इसलिए क्योंकि आज जो हमने आपके लिए टॉपिक चूज किया है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि कोई भी इंसान शायद ऐसा ना हो जिसने उस दौर को ना जिया हो जिसकी आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आपके लिए आपके टीचर्स की, यानी कि पढ़ाई लिखाई की, यानी कि जब आप स्कूल में थे, यानी कि जब आप कॉलेज में थे, या फिर जब आप हायर एजुकेशन ले रहे थे, हमेशा आप अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहे, सानिध्य में रहे और उनके साथ बहुत कुछ सीखा, बहुत सी खट्टी मीठी यादें आपके पास रही हैं और वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको आज का टॉपिक मालूम चल गया होगा क्योंकि उन्होंने हमारे प्रमोशनल मैसेज पढ़े होंगे, देखे होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता चला कोई चिंता की बात नहीं, अगले कुछ पलों में हम आपको आज का मौजू भी बताएंगे जिसके बारे में आज आपके साथ बात करनी है। इनफैक्ट आज डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ बातचीत होगी, ऐसा टॉपिक हमने आपके लिए चूज किया है। और ये शो चलता है पूरा 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, लाइव शो होता है, इसका मतलब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपनी बात हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे जो मीडियम्स हैं, अवेलेबल मीडियम्स हैं, उनको इस्तेमाल करें। जैसा कि हम अक्सर आपको बताते हैं, हमसे बात करने के लिए, शो में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIO UDAAN, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस आईडी को अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया है तो बिल्कुल रिक्वेस्ट सेंड करें मुझे इमीडिएटली, मैं अभी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा और आपके साथ बातचीत करेंगे आज के अपने इसी शो में। इसके अलावा अगर आप स्काइप यूज नहीं करते हैं, सिर्फ टेलीफोन या मोबाइल यूज करते हैं, तो बिल्कुल उसके लिए भी सुविधा है आपके लिए। आप हमारे ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर यानी कि दिल से दिल तक का जो ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर इज 9015173846। छोटी सी मिस कॉल दें, आप हमारे साथ बातें कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। ये वो तरीके हैं जो सबसे आसान हैं और आप शो में इनके माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो इस नंबर को व्हाट्सएप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, 9015173846। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज करें, वॉइस नोट करें, आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप पे रेडियो उड़ान का अपना ऑफिशियल ग्रुप है उड़ान लाइव शोज, उसमें भी आप अपने टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे आने के लिए आपको हमारा फेसबुक का पेज दिल से दिल तक और फेसबुक ग्रुप दिल से दिल तक ग्रुप को ज्वाइन करें और पेज को लाइक करना होगा। इसके अलावा एक मीडियम और अवेलेबल है जिसकी हम बात करें, वो है हमारी वेबसाइट www.radiodon.com। फीडबैक सेक्शन में जाके अगर आप अपनी राय पहुंचाते हैं तो वो हम तक पहुंच जाती है, और अगर शो के दौरान आपने अपनी राय पहुंचाई तो वो हमारे सुनने वालों तक भी जरूर पहुंच जाएगी। ये वो मीडियम्स हैं जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अब जरूरी है आपको बताना कि शो में होने वाला है क्या। एक तो हमने आपको बताया कि आज बहुत सारी बातें होंगी, मजेदार बातें, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो होगा दूसरे सेगमेंट में दिलवाला डिस्कशन, जिसमें हम आपके साथ आज को शेयर करेंगे। इससे पहले आएगा पहला सेगमेंट जिसका नाम है किस्सा गोई, और किस्सा गोई हर बार की तरह हम कुछ नई कहानियां आपको सुनवाएंगे और देखेंगे कि आज इस सेगमेंट में कौन है जो अपनी कहानियां हमारे साथ शेयर करेगा। चलिए जल्दी से बता दें आपको, ज्यादा धड़कने ना बढ़े आपकी, कि आज का टॉपिक क्या है। आज अभी अभी टीचर्स डे आपने सेलिब्रेट किया है, बहुत सारी बातें की होंगी टीचर्स के लिए, बहुत कुछ बताया होगा, उनसे कहा होगा, उनको याद किया होगा, बहुत से लोग उनसे मिले भी होंगे, तो हमने सोचा क्यों ना आपको कुछ उन्हीं दिनों की बात याद दिलवा दी जाए। उसके लिए हमने टॉपिक चूज किया मेमोरीज ऑफ योर टीचर्स। खट्टी मीठी यादें बहुत सारी होंगी आपके पास, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। किस तरह से आपको स्कूल में मेडल्स मिले थे, यानी कि दो तरह के मेडल्स, जो आपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा, एजुकेशन में अगर कुछ किया, स्टडीज में आपको किया तो आपको प्राइज मिलते थे, मेडल्स मिलते हैं। एक वो बच्चे थे और एक हम जैसे बच्चे थे जो अक्सर दूसरे वाले मेडल्स हम मिलते थे, जो
कई बार मुर्गा बन जाओ, क्लास से बाहर खड़े हो जाओ, ग्राउंड के 3 चक्कर लगा कर आओ, ऐसे मेडल्स हमें अक्सर मिला करते थे। तो इस तरह की कुछ भी यादें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें वो हमें बता सकते हैं और शेयर करें इन्हीं मीडियम से जो हमने आपको बताई हैं। सो इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको याद आ जाएगा, आज स्कूल के दिन याद आ जाएंगे। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो अपने उन खोए हुए फ्रेंड्स को कहीं ना कहीं फिर से ढूंढने की एक कोशिश करना शुरू कर दें। बहरहाल मेरे पास एक प्यारा सा गाना है, इस गाने को सुने और एंजॉय करें और देखें कोच जो एक दूसरा टीचर है हमारा वो कितना कॉन्फिडेंट है अपने प्लेयर्स को लेके। तो एक प्यारा सा गाना सुने, फिर उसके बाद हम आएंगे अपने पहले सेगमेंट किस्सा गोई के साथ। This is the story of a team and they're playing for their one and only dream to win the World Cup. So you better back up, cause they're coming on now. When they're coming on, how? Get out of the way, cause they're screaming, chak de. Chuck too, she's new. कहते हैं मेम बड़ी तीखी इसकी गेम. She's cool पर दिल की है फूल. बड़ी बड़ी टीमों का भुलाए हाल चाल. है ये इंग्लिश माल आजा प्रीति सबरवाल. What? You have a problem with me? Chuck three, she stings like a bee. गांव की ये छोरी खेले हॉकी चोरी चोरी. बाप भाई कोई रोके तो करे सीना जोरी. ड्रिबल में से तेज नहीं कोई साली हो या साला. आ गई भैया छा गई भैया कोमल चौटाला. खेलने वाला खेल रहेगा, रोकने वाला फेल रहेगा, जो ज्यादा मरोड़े मूछ चाट ले जाके भैंस की पूछ. चक फोर ऑन द फ्लोर, घिसी हुई है पिया हुआ है घाट घाट का पानी. सबसे सीनियर प्लेयर है ना, करती है मनमानी. हिम्मत और हिमाकत है, टीम की है खलनायक. अपने दिन में गेम बदल दे, आजा बिंदिया नायक. अरे देखे हमने बड़े बड़े हैं कोच ये अंग्रेज से, लाइन पे इनको लाना है साम दाम दंडभेद से. चक फाइव, गिव मी अ डाइव, कैप्टन है और गोली भी, पर घर का गोल खाली है. एक तरफ है बॉल और स्टिक, दूसरी तरफ खुशहाली है. शादी मुश्किल गेम है, पर प्लेयर हार कब माने हैं. विद्या शर्मा इंडिया कैप्टन, इसके भी कुछ माने हैं. चक सिक्स नीड्स अ फिक्स, कुंभकरण है टीम की, खैर है जब तक सोई रे. आए जब ये जोश में टिकने न पाए कोई रे. ओ आई रे ओ छाई रे, शी स्कोर बलबीर कौर. कोई रोक सके न टोक, जो ज्यादा बोले ठोक. है दिल में जो भी बात, दोनों होठों के साथ. तू बक दे और चक दे. चक सेवन चक एट, समवन्स गॉट टू गेट देम स्ट्रेट. है सीनियर प्लेयर्स दोनों जानी मानी, एक है शरारत दूजी है मनमानी. याद कराएं नानी को भी नानी, आलिया बोस एंड गुंजन लखानी. बदनामी में भी नाम है, कौन इन्हें समझाए. कोच का तो बस काम है मजे के दुश्मन आए. Chuck 9, 10, 11. From the players' heaven. They're three, they're free. As good as 7. Rani yun hi naam nahi. Ye backfield ki rani hai. Soi moi bas naam hai mera. Lekin badi sayani hai. Netra Reddy, Andhra se. Nahi, kisi se hari hai. Dushman ki dushman hai, tino hockey se hi hari hai. Chuck 12, and 13, 14. They're always seen, they're always keen. They teach a team to be a team. गुल हैं ये इकबाल भी हैं, खून में हॉकी बहती है. खानदान का नाम या खुद का, यही मुसीबत रहती है. नॉर्थ ईस्ट की ताजगी, इनकी आन बान और शान है. दोनों चुप चुप रहती हैं, पर यही टीम की जान है. मोली जिमिक मेरे राल पे चक दे. चल जरा जरा सा जरा 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 जरा
चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। जी हाँ, तो ये था एक प्यारा सा गाना चक दे इंडिया से। और कोच साहब जो होते हैं वो भी हमारे टीचर होते हैं भाई, कोच भी बहुत कुछ सिखाते हैं। और ये कोच जो थे बड़े मस्त कोच थे, बड़े अच्छे हैंडसम कोच थे, हैं थे क्या अभी भी हैं, मतलब पिक्चर में बहुत अच्छे कोच थे। और उन्होंने पूरी टीम को लीड किया, उसके डायलॉग अगर आपने सुनेंगे तो बड़ा मज़ा आता है देख के कि किस तरह से एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को, कोच अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, और उसके बाद टीम और स्टूडेंट सब कुछ कर पाते हैं। वही हम आपसे आप पूछ रहे हैं कि आपकी मेमोरीज अपने टीचर्स के लिए कैसी रही हैं। योर मेमोरीज ऑफ योर टीचर्स, आपके जो टीचर्स हैं उनकी मेमोरीज यादगार कैसी हैं, किस किस तरह के टीचर आपको लाइफ मिले। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल या कॉलेज की बात करें, आप लाइफ में आपका टीचर कोई भी हो सकता है, कोई भी आपको कुछ भी सिखा सकता है। अगर आप बहुत छोटे हैं तो कोई बहुत बड़ा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, और आप बहुत बड़े हैं तो शायद एक छोटा सा इंसान, छोटा सा बच्चा भी आपको ज़िंदगी का फलसफा बता सकता है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका टीचर हो सकता है। और कहते हैं कि ऑल टाइम या एवर ग्रीन टीचर टाइम होता है, वक्त होता है, तो उस पर भी थोड़ा सा बता सकते हैं। बहरहाल कोशिश करें स्कूल और कॉलेज की बात बताएं तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें उधर ही होती हैं। बहरहाल अब वक्त हो गया हमारे पहले सेगमेंट का, जहाँ पर हम आपको सुनवाएंगे कहानियाँ, यानी कि किस्सा गोई की बात हम आपके साथ कर रहे हैं। हर वीक हम आपको किस्सा गोई सुनवाते हैं। ये हमारा ऐसा सेगमेंट जिसमें हम अलग अलग लोगों से कहानियाँ, जो लोग हमें भेजते हैं वो कहानियाँ आपको सुनवाई जाती हैं। और यहाँ से कोशिश यही कि जो कहानियों की विरासत है, जो किस्से कहानियों की जो बात है, जो उसका मज़ा है, उसको जायका है, उसको बनाए रखें हम उसको आप तक पहुँचाते रहें। आजकल किस्से कहानियों का टाइम थोड़ा कम हो रहा है, लोगों के पास इतना वक्त नहीं, और शायद सुनाने वालों का इंटरेस्ट भले बचा हो अभी, लेकिन सुनने वालों में तो इंटरेस्ट नहीं बचा, क्योंकि मोबाइल पे, टीवी पे, कंप्यूटर्स पे इतने गेम अवेलेबल हैं कि वो आपको इतना थका देते हैं और आपको इतना अट्रैक्ट करते हैं कि आप उनके बारे में सोच ही नहीं पाते कि आप किसी से कहानी सुने या कुछ और करें। इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम आपको हर वीक कम से कम दो कहानियाँ सुने। तो एक वीक में अगर दो इंस्पायरिंग या प्रेरणादायक कहानी आपको सुनने को मिल जाए तो क्या बात है। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और फिर आएंगे आपके पास दूसरा सेगमेंट लेके, जिसका नाम है दिल वाला डिस्कशन। और पहला सेगमेंट ये रहा जिसको आप सुनेंगे, और सेगमेंट का नाम हमेशा की तरह वही, किस्सा गोई। किस्सा गोई सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं हेमा बात कर रही हूँ दिल्ली से। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही छात्रा हूँ, बीएड कर रही हूँ। और आज मैं फिर से दो इंस्पिरेशनल स्टोरीज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और मैं ये दोनों ही स्टोरीज को सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगी। और ये दोनों ही स्टोरी ये बताती हैं कि कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि हमें कुछ सीख दे जाती है और वो सीख हमारी लाइफ को चेंज कर देती है। मेरी पहली कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गुरुजी थे और उनका एक चेला, वो दोनों एक गांव में घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्हें एक बहुत बड़ा खेत दिखाई दिया, लेकिन उस खेत को देखकर दोनों बड़े हैरान हो गए, क्योंकि उस खेत की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और ज़मीन बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे बहुत अच्छी खेती हो सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस खेत में खेती हो नहीं रखी थी। साधु को ये बात जमी नहीं। गुरुजी उस खेत के अंदर घुस गए और घूमने लगे और दूर दूर तक उस खेत को निहारने लगे। थोड़ी देर बाद गुरु और चेले दोनों को प्यास लगने लगी। जब प्यास लगने लगी तो दोनों कोई घर ढूंढने लगे। तो उन्होंने देखा कि उस खेत में एक बहुत छोटा सा घर है, वो भी टूटा फूटा सा उन्हें दिखाई पड़ा। फिर वो उस घर पर गए और दरवाजे को खटखटाने लगे। जब दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से एक आदमी निकल कर आया। उस आदमी का नाम था राकेश। राकेश
से गुरु ने पानी मांगा। राकेश अंदर गए और पानी लेकर आए, गुरुजी को और चेले को पानी दिया। पानी पी के गुरुजी राकेश से बात करने लगे। तो राकेश जी बताने लगे कि मैं अपने दो बच्चे और अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे रहता हूँ और ये पूरा घर और पूरा खेत मेरा ही है। तो गुरु ने कहा कि राकेश, जब तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है तो तुम इस ज़मीन पर खेती बाड़ी क्यों नहीं करते। राकेश ने कहा कि गुरुजी, मैं क्यों खेती बाड़ी करूँ, मेरे पास एक अच्छी गाय है जो दूध देती है और उस दूध को बेचकर मेरे को पैसे मिल जाते हैं और जो बचा दूध होता है वो हम अपने यूज़ में ले आते हैं और पी लेते हैं, इस तरह से हमारी लाइफ चल जाती है। अब इतने बड़े खेत मर मैं खेती बाड़ी करूँगा तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। गुरुजी कुछ सोचने लगे, थोड़ी देर बाद कहने लगे, राकेश बहुत शाम हो गई है, क्या हम तुम्हारे घर पर ठहर सकते हैं एक रात के लिए, हम कल सुबह चले जाएंगे। राकेश ने कहा, क्यों नहीं, रह सकते हो। राकेश ने खाना बनवाया अपनी वाइफ से, खाना खिलाया गुरुजी को, बहुत अच्छे से सेवा करी, सुला दिया, सब रात को सोने लगे। जब सब सो गए, रात में गुरुजी अपने चेले को उठाने लगे और कहने लगे कि उठो, चलो हमें इनकी गाय चुरा कर और गांव से कहीं दूर जाना है। चेला सोचने लगा, मेरे गुरुजी और मुझे ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन बेचारा कुछ नहीं बोला। उसने कहा, ठीक है गुरुजी, जैसे आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। दोनों उठे, उस गाय को लेकर चले गए। जब वो लोग सुबह उठे तो बहुत परेशान रहे और यहाँ पर गुरुजी गाय की बहुत सेवा करने लगे, उसको अपने साथ रखने लगे। 10 साल बीत गए, गुरुजी की भी डेथ हो गई और उस गाय को भी चेला ही संभालता था, लेकिन चेला भी अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था, उसका भी एक परिवार हो गया था, लेकिन उसे ये बात अभी तक जमी नहीं कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। वो जब जब गाय को दिखता था तभी उसको उस आदमी का चेहरा दिखता था अपने सामने। उसने फैसला किया कि आज मैं उसी गांव में उसी खेत में जाकर देखूंगा और उस आदमी से मिलूंगा और अपनी सच्चाई बताऊंगा। वो गया, जब वो खेत में घुसा तो वो और हैरान हो गया, क्योंकि उस वक्त उस खेत में पूरे में बहुत अच्छी खेती हो रखी थी, पेड़ पौधे फल फूल हर चीज़ वहाँ पे लगी हुई थी और वो जो छोटा सा टूटा फूटा घर था वो थोड़ा सा और बड़ा और सुंदर घर बन गया। एक आदमी वहाँ पे काम कर रहा था जो वो ही राकेश था। राकेश से चेले ने बोला, क्यों भाई, मुझे पहचाना। राकेश कहने लगा, क्यों नहीं पहचानूंगा आपको, आपके आने से तो मेरे जीवन में जो बदलाव हुआ है उस पर तो मैं खुद भी विश्वास नहीं कर सकता। चेला कहने लगा, क्यों, जब आप लोग हमें बिना बताए रात में चले गए थे तो उस दिन हमारी गाय भी चोरी हो गई थी और गाय पर मैं इतना डिपेंड था कि अगर मैंने ये सोचा भी नहीं था कि अगर वो गाय नहीं होगी तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, हम लोग जिएंगे कैसे, लेकिन कई दिनों तक हम परेशान रहे। फिर मुझे तुम्हारे गुरुजी का वही आइडिया याद आया कि क्यों नहीं मैं खेतीबाड़ी कर लूँ, तो मैंने खेतीबाड़ी कर ली और उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरी वाइफ भी बहुत खुश रहती है और मैं भी बहुत खुश रहता हूँ। बस फ़र्क इतना हुआ कि पहले मैं मेहनत करना नहीं चाहता था और अब मुझे मेहनत का फल बहुत अच्छा मिला। आपके गुरुजी मेरे भी गुरुजी बन गए, मुझे कुछ अच्छा सिखाया उन्होंने। तो चेले के समझ में आया कि गुरुजी ने उस दिन कुछ गलत नहीं किया था, अच्छा ही किया था। वो जो गाय थी वो उनको राकेश को थोड़ा आलसी बना रही थी और उस आलस को दूर करने के लिए ही बस गुरुजी गाय को लेकर गए थे। ये मेरी दूसरी कहानी। एक किसान था
उसके पास दो मटके थे। वो डेली कुएं से उन दोनों मटकों में पानी लाता था और वो पानी ऐसे लाता था कि उसने एक डंडे में एक कोने में एक मटके को बांध देता था और दूसरे कोने में दूसरे मटके को बांध देता था और फिर कंधे पर लेकर आता था। लेकिन जो एक मटका था वो थोड़ा सा फूटा हुआ था और दूसरा जो मटका था वो एकदम साबुत था। उससे क्या होता था, जब तक कुएं से घर आता था तब तक जो फूटा मटका था उसमें पानी आधा हो जाता था। इससे जो फूटा हुआ मटका है बड़ा परेशान था कि किसान मेरे में पानी भरता इतनी मेहनत से और मैं घर आते आते आधा हो जाता हूँ। एक दिन उसने किसान से कह ही दिया कि मुझे बदल दीजिए, मैं तो आपकी मेहनत को ख़राब करता हूँ। किसान ने कहा कि तुम परेशान मत हो, कल जब मैं पानी लेने जाऊँगा और वापस जब आऊँगा तो तुम पूरा रास्ता देखते हुए आना। उसने कहा ठीक है। सुबह हुई, किसान दोनों मटके को लेकर कुएं के पास गया, उसने पानी भरा और वापस घर आया। फूटा मटका पूरा रास्ता देखते हुए आया। उसने देखा कि फल फूल पेड़ पौधे पूरे रास्ते में आ रहे थे और फिर घर आया। घर आते आते वो मटका आधा हो गया। किसान को फिर से फूटे मटके ने कहा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? तो किसान ने कहा कि भाई, जिस तरफ तुम थे उस तरफ सारे पेड़ पौधे फूल फल आ रहे थे और जिस तरफ वो साबुत मटका था उस तरफ कुछ भी नहीं था। तो मतलब तुम्हारे में से जो पानी गिरता है वो सारे उन पेड़ पौधे फल फूलों पे गिरता है जिसकी वजह से वो बढ़ रहे हैं और हमें फल मिलते हैं और फूलों की खुशबू प्राप्त होती है। ये सुनकर फूटा मटका बड़ा खुश हो गया। बस ये ही थी मेरी दोनों इंस्पिरेशनल स्टोरीज और मैं चाहूँगी कि सभी श्रोता इसको मतलब इस तरह से ना लेके जाएं कि ये स्टोरीज हैं, ये हमारी लाइफ की हकीकत है। इसको अपने जीवन में भी उतारें और इन दोनों स्टोरीज से कुछ सीखें, क्योंकि हर स्टोरी कुछ ना कुछ बता के चली जाती हैं। और रेडियो उड़ान और आरजे नरेश को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया अपनी स्टोरीज को, अपने विचार को रेडियो उड़ान पे रखने के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, ये था हमारा पहला सेगमेंट जिसका नाम है किस्सा गई और दो बेहतरीन कहानियाँ आपने आज सुनी। हेमा प्रजापति जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी थी, उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल कराई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दो बेहतरीन कहानियाँ जिसमें गुरुजी की जो कहानी है वो एक वो कहानी और दूसरी जो एक मटके वाली कहानी है, ज़्यादा अच्छी, दोनों कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। और गुरुजी कुछ सिखा गए, हालांकि उन्होंने प्रेजेंट में कुछ ऐसा किया जो शायद चेले को भी पसंद नहीं आया, या अगर राकेश को पता चलता तो शायद राकेश को भी मालूम नहीं चलता, अच्छा नहीं लगता कि गुरुजी ने गाय चुराई। लेकिन उस एक क्षणिक जो एक मोमेंट्री जो एक, एक काम था या एक्शन था उनका, उसने उस राकेश की ज़िंदगी में जो असर डाला, जो प्रभाव डाला या आने वाला जो वक्त था पूरा बदल दिया, वो बड़ी बात है। टीचर्स इसी तरह से होते हैं जो शायद बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो हमें उस टाइम पे बुरा लगता है, ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता किसी भी तरीके से, लेकिन शायद उन सब चीज़ों की जो बातें या वो जो उनका किया होता है वो हमें बाद में समझ में आता है। और दूसरा मटके वाली गाड़ी, तो कहानी तो सच में बहुत अच्छी है। फूटा मटका जो शायद अपने लिए बड़ा चिंतित था, बड़ा परेशान था, उसको भी समझ में आया कि अगर आपने कोई मेहनत की है ज़िंदगी में, और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर लाइफ में आपने कुछ भी मेहनत की है, कुछ भी सीखा है, तो वो कभी वेस्ट नहीं होता। जैसे कि मटके ने पानी दिया था, डेली पानी देता था वो, चाहे वो अननोइंगली दे रहा था, लेकिन वहाँ से जो कुछ हुआ, जो पेड़ पौधे उगे, फूल उगे, वो सब उसकी मेहनत थी, क्योंकि अगर वो पानी नहीं गिरता तो शायद वो ना हो पाते। तो इसलिए लाइफ में अगर आप कुछ भी अच्छा करते हैं या कुछ भी मेहनत करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो वो कभी वेस्ट नहीं होता। इसलिए अच्छा करना, सीखना, दूसरों के लिए कुछ करना और सिर्फ अच्छी बातें या अच्छे जो
काम है आपकी, उनको करना बिल्कुल ना छोड़ें। और याद रखें, टीचर्स कभी बुरे नहीं होते, टीचर्स एक टाइम पर कुछ टफ हो सकते हैं, मुश्किल हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लेकिन बुरे नहीं होते। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया इन दोनों कहानियों का हिमा आपका। और बारी आ गई है वापस उसी सेगमेंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरा सेगमेंट दिलवाला डिस्कशन। और आज हमने आपसे इसी टॉपिक को लेके कुछ बात पूछी है, टीचर्स को लेके कुछ बताएं। हम चाहते हैं कि आपकी जो मेमोरीज हैं अपने टीचर्स के साथ वो कैसी रही हैं, वो हमें शेयर कर सकते हैं। अपनी बातें शेयर करने के लिए हमें कॉल करें, हमारे स्काइप आईडी radio.radioudn, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर 9015173846। इस पे हमें छोटी सी मिस कॉल दें और शो में पार्टिसिपेट करें। और जब कभी आप याद करते हैं कि अपने स्कूल की बातें, कॉलेज की बातें, या जब आप हायर एजुकेशन में भी हों, तब भी टीचर्स हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। कुछ टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कई बार हम जैसे बच्चों की पिटाई भी बहुत होती है, लेकिन क्या टीचर सच में बुरे होते हैं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि तरीका सबका अलग अलग होता है। कुछ समझाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को, जो उनके विद्यार्थी होते हैं, उनको उसी टाइम समझ आता है, कुछ को शायद कुछ महीनों के बाद, और कुछ को शायद एक अरसा बीतने के बाद, कई सालों के बाद उन्हीं बातों का मतलब समझ आता है जो शायद उनके बचपन में कभी उनके टीचर्स ने कही थी, उनको बताई थी, या डांट पड़ी थी, या बहुत कुछ ऐसा। जो भी आपके मन में, बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप कौन सी कहानी, किस्सा, या क्या हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं आज इस शो में। क्योंकि हमने स्पेशली ये जो टॉपिक चूज किया वो इसीलिए कि भाई आप बता पाएं कि एक प्लेटफॉर्म हुआ आपके लिए, कि जहाँ पे आप शेयर करें कि आप कैसे अपने उस पुराने वक्त को, या जिसे कहते हैं बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ को, याद करना चाहते हैं, उसकी कुछ यादें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज हमने कोशिश की कि आपके लिए जो गाने प्ले करें वो भी कुछ इसी तरह की मूवीज से हों जो इंस्पायरिंग हो, साथ में टीचर सेंट्रिक हो, यानी कि टीचर किस तरह से अपने स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करता है, काम करता है, क्या क्या प्लानिंग करता है, उन सब जो मूवीज हैं उसमें से कुछ गाने हमने चूज किए हैं, वो आपके लिए प्ले कर रहे हैं। चलिए एक गाना और हम आपको सुनाते हैं, ये भी गाना आपको पसंद आएगा। और तब तक आप सोच लें कि आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। स्काइप आई डी radio.radioudn, या फिर 9015173846। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया, 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। We'll be right back.
सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। Chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन फोर। मैं हूं आरजे नरेश कुमार, वापस आ गया प्यारे से गाने के बाद। और ये गाना सुन के आपको याद आ गया होगा किस मूवी की हम बात कर रहे हैं आपके साथ, और इस मूवी में एक्चुअली क्या हुआ था, किस तरह से तीन दोस्त अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं चीजें, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया लाइफ में आके। जो शायद सबसे मतलब अच्छा स्टूडेंट नहीं था, उसने क्या अपनी लाइफ में आगे चल के किया वो आपको पता चला। मूवीज़ एक जरिया है जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, और हकीकत में ऐसा होता है, और हो सकता है कि 100% ऐसा ना हो, लेकिन कम से कम 50% 60% तो होता है, क्योंकि जो स्टोरीज होती हैं कहीं ना कहीं मिलती हैं, तभी तो ये मूवीज़ बनती हैं। और टीचर्स और स्टूडेंट्स के जो रिलेशन है वो कुछ इसी तरह से हैं कि वो बहुत खट्टे मीठे रहते हैं। अक्सर जब भी आप टीचर्स से बात करें तो उन्हें शायद बहुत से स्टूडेंट याद आते हैं, अपने कई टीचर्स से बात की जिन्होंने शायद उनसे पूछे कि आपको कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो शायद कुछ मज़ेदार बात है मुझे जो बताने में आपको मज़ा आएगा कि अगर आप कभी किसी से पूछे, टीचर से भी अगर मैं जैसा मैंने आपको बताया कि पूछा मैंने, तो शायद उनको सबसे पहले दिमाग में वही स्टूडेंट याद आते हैं जो स्कूल में कॉलेज में बहुत शरारती थे, बहुत तंग करते थे, उनके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता था, बहुत सारी बातें उनके साथ कि कुछ तोड़फोड़ ना करें, कुछ शरारत ना करें, उनका ध्यान रखना है, उनसे पता रखना है उनकी बात। और आप मानिए कि कितना फोकस शायद एक टीचर का ऐसे स्टूडेंट्स पे भी आता है जो शायद ज़्यादा शरारती होते हैं, हो सकता है अपनी स्टडीज़ में थोड़े वीक या एवरेज होते हों, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हों। टीचर्स इस तरह की कोशिश भी करते हैं कि बच्चे का पोटेंशियल चेक करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो उससे कोशिश करते हैं कि उसका नाम लिया जाता है, भले वो कितना भी शरारती हो, स्टडीज़ में कितना भी अच्छा ना हो, लेकिन जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स का नाम लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा है कि जब आप हम में से या आप में से किसी से भी आप बात करें तो पूछें कौन से टीचर, तो सबसे पहले शायद उस टीचर का नाम ना आए जो शायद उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत समझाते थे। तो सबसे पहले शायद कॉमन सी इंटेंशन है, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा टेंडेंसी है कि सबसे पहले उसी टीचर का नाम आएगा। बहुत डांटते थे, एक सर थे हमारे, बहुत डांटते थे, बहुत टोकते थे यार, हर बात पे कुछ ना कुछ नुक्स निकालते थे, ये नहीं किया, ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों लिख दिया, भाई जो लिखा है कम से कम उसको तो देख। इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं जो शायद हमें याद आती हैं, हम शेयर कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। तो बहुत कुछ टीचर्स आपको सिखाते हैं, और स्कूल में एक ऐसा वक्त होता है जब लगता है कि कहाँ पर हैं, जेल में हैं, क्या हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, मतलब किस तरह से टाइम बचाना है, शरारत करनी है, शरारत करने का पर्पज़ नहीं होता कई बार, सिर्फ इतना मतलब होता है कि अपना काम हो जाए। किस तरह से क्लास में बैठ के टीचर पढ़ा रहे हैं, मन नहीं लग रहा तो कुछ खेलना है, कुछ बातें करनी है, और इस तरह की बहुत सी हरकतें जो बच्चे अक्सर करते हैं, और कुछ शायद उनकी यादगार बन जाती हैं स्कूल के बाद, जब वो टाइम होता है जब आप वर्किंग होते हैं, उम्र दराज होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, सब चीज़ें याद आती हैं, और आपको पता चलता है कि आपने कहाँ पे शायद क्या गलती की थी और क्या आपको करना नहीं चाहिए था लेकिन आपने किया, और फिर वही एक्सपीरियंस दूसरों के काम आते हैं जब आप
अपने से छोटों के साथ वैसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि हमने ये किया था और लेकिन नहीं करना चाहिए था। बहुत सी ऐसी बातें जो हम अक्सर उस टाइम पे नहीं समझ पाते। टीचर्स ने हमें डांटा था, क्यों डांटा था? पेपर में, एग्ज़ाम में हमें ऐसा करने को मना किया या पूछने से मना किया, क्यों मना किया? बहुत कुछ जो शायद समझ में उस टाइम नहीं आता है। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो असर बाद में दिखाती हैं, तो टीचर्स भी वही दवाई हैं जो कड़वी भले हो लेकिन असर ज़रूर दिखाती है और वक्त के साथ असर दिखाती है। बहरहाल, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी स्काइप आईडी radio.radio.udaan, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846। इस नंबर को आप व्हाट्सएप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो अपने टेक्स्ट मैसेज और वॉइस नोट भी हमें भेज सकते हैं। बहरहाल, एक और प्यारा सा गाना हमारे पास रेडी है आपके लिए। इस गाने को भी सुने, इंजॉय करें इस गाने को। मैं आता हूँ इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। Come on.
वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 4। बात हो रही है आज टीचर्स की, क्योंकि आज जो हमने टॉपिक आपके लिए चूज किया है खास तौर पे अपने दूसरे सेगमेंट दिल वाला डिस्कशन में, वो यही है मेमोरीज ऑफ योर टीचर्स। आपको अपने टीचर्स की कौन सी यादगार आपके पास हैं, यादें आपके पास हैं। एक व्हाट्सएप पे मैसेज जो अंजलि राजस्थान से, जिन्होंने हमें मैसेज किया है, वो कह रही हैं कि उन्हें याद है कि उनके टीचर थे जिन्होंने उनके साथ उनके बर्थडे पे केक काटा था। ये बात इसलिए खास है क्योंकि वो टीचर उनको काफ़ी डांटते थे, स्ट्रिक्ट थे काफ़ी, और उनको शायद ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी। और जहाँ तक मुझे उनके छोटे से मैसेज से बात समझ में आ रही है कि वो शायद काफ़ी परेशान थी उनसे कभी, कि बहुत डांटते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, कहते हैं उनके बारे में बहुत कुछ, शायद पॉजिटिव ना बोलते हों, लेकिन जब उन्होंने उनके साथ उनके बर्थडे पे केक काटा तो शायद उससे अच्छी फीलिंग नहीं हो सकती। लेकिन एक हकीकत की बात जो मुझे लगता है, शायद हो सकता है आपके इस बारे में अपने विचार अलग हों, कि जो लोग हमारे बारे में ज़्यादा टोकते हैं, जो कुछ कहते हैं, आप ये बात समझ सकते हैं कि वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपके लिए परेशान और आपकी चिंता सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो शायद आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा तो उसे इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो। आप अपनी फैमिली में भी देख सकते हैं, मम्मी पापा जो अक्सर आपको डांटते हैं, आपको कहते हैं, समझाते भी हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है क्योंकि वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। और आप कुछ भी ऐसा करते हैं जो शायद आपको लग रहा हो उस टाइम पे ठीक हो, लेकिन एग्जैक्टली वो ठीक नहीं होता, या हकीकत में वो ठीक नहीं होता, तो आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स आपको नाराज़ होते हैं, आपके टीचर्स भी नाराज़ होते हैं, क्योंकि आपसे उनकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, वो आपसे चाहते हैं कि आप बेहतर करें। जब भी आप कुछ गलत करते हैं तो इसलिए शायद आपको डांट पड़ती है, और इस हिसाब से अगर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा है, तो मुझे बहुत डांट पड़ी है। शायद वो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ सिखाया है, और बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो आज भी हमारे कॉन्टैक्ट में हैं। हालांकि बहुत बड़ा वक्त नहीं हुआ, इतना टाइम नहीं हुआ कि बहुत कुछ बदल जाए, लेकिन हाँ, बहुत से टीचर्स रिटायर हो चुके हैं और स्कूल में नहीं हैं, अपनी रिटायरमेंट की बात की लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया। और उन्हीं में से कुछ टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सी बेसिक चीज़ें बताई जो शायद अब काम आती हैं। कहते हैं कि जब कभी भी आपकी परफॉर्मेंस गिरने लगे ना, और जब भी आप कुछ बेहतर ना कर पा रहे हो, तो बेसिक्स पे आ जाओ, अपने बेसिक्स ठीक कर लीजिए। इसका मतलब है कि जब भी कब आप प्रॉब्लम में हो, आप कभी समस्याओं में हो, या कुछ भी अच्छा ना जा रहा हो, तो जो टीचर्स ने आपको, अपने बड़ों ने जो आपको टीचिंग्स दी हो, आपको जो बताया हो, उन पर कुछ अमल करना शुरू कर दीजिए कि उन्होंने ऐसा कहा था, शायद कुछ गड़बड़ है, आप ईमानदारी से काम करें, या कुछ भी ऐसा जो आपको याद आता और जो सीख हो हमेशा याद रखें। जैसे मुझे आज तक एक किसी ने मुझे बताया, वो सीख आज तक याद है कि लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आएं, कितने भी आप बड़े हो जाओ या छोटे रहो, आप किसी भी स्टैंडर्ड पे हो, अगर आपको नॉलेज मिले तो आप किसी से भी ले लो। कभी ये मत सोचना कि ये नॉलेज, ये अच्छी बात कौन दे रहा है, सिर्फ फोकस इस बात पर रहे कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, किससे मिल रहा है, किस रूप में मिल रहा है, किस व्यक्ति से मिल रहा है, कौन देने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत आपका जान पहचान का हो, अनजान हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, कुछ भी हो, हालांकि मैं फॉर्चुनेटली मेरे दुश्मन नहीं है, मैं दुश्मनी किसी से करता ही नहीं, छोटी सी उम्र है उसमें क्या दुश्मनी करेंगे। तो कोई भी ऐसा बंदा जो अच्छी बात बता रहा हो और आप वो सुन पाएं, देख पाएं, तो उसको ग्रैब कर लें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या कहा, किसने कहा, कैसे कहा, किसके लिए कहा। हो सकता है वो आपस में बात कर रहे हो, आपको ना बता रहे हो इनडायरेक्टली, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो उसको ग्रैंड कर लें, अडॉप्ट कर लें और अपनी लाइफ में उतार लें। मैं आज भी इस बात को फॉलो करता हूं और बहुत शिद्दत से इस बात को मानता हूं कि कोई भी अच्छी बात जहां से कहीं से भी मिले, ट्रैवलिंग करते टाइम, ऑफिस में, लोगों से, किसी से भी, जहाँ से मिले, आपसे, जब हम रेडियो पे होते हैं, जब हम आपके साथ बातें करते हैं, जब आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसे ही बताते हैं जो शायद हमारे लिए भी एक सीख होती है, एक बात होती है जो हम याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, हम भी सीखते हैं। तो वो बात आज तक जारी है और कोशिश यही कि सीखते रहें,
और लाइफ बहुत बड़ा टीचर है, गुरु है। सो टीचर्स डे अभी भी गया है, हम अपने सभी टीचर्स को फिर से एक बार, उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए किया, जितना भी किया, हम उसका कर्ज नहीं उतार सकते, कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स या बहुत बहुत शुक्रिया। और शब्द छोटे हो पड़ जाते हैं कई बार, लेकिन आप दे सकते हैं, आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। परल, आज का शो आपको पसंद आया होगा, हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, हालांकि हमारे पास पार्टिसिपेशन उतना नहीं है, शायद लोग हेजिटेट होते हैं कि बहुत सी चीज़ें बता पाएं अपने बारे में और शेयर कर पाएं, वो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपने सुना, आपने इंजॉय किया, गाने सुने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक यानी कि अगले जुमेरात को ठीक 10 बजे आपके साथ इसी शो में, फिर कुछ और बातें करेंगे, कुछ खास लेकर आएंगे आपके लिए, और सुनते रहें, हमारे यूट्यूब चैनल पे आना ना भूलें। अगर आप शो आज ना सुन पाएं तो बिल्कुल हमारा रिपीट ब्रॉडकास्ट सुने रेडियो उड़ान पे ही, वो फ्राइडे को शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच में शो को आप सुन सकते हैं, और उसके बाद जब आपका मन करे भाई यूट्यूब चैनल पे आइए। जी हाँ, दिल से दिल तक का अपना यूट्यूब चैनल दिल से दिल तक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो आपके पास भेजना चाहें या जब भी कोई वीडियो अपलोड करें, हम उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो एंजॉय करें, रेडियो पे करें, यूट्यूब पे करें, कहीं भी करें, सिर्फ मकसद यही कि आप एंजॉय करते रहें, इंटरटेन होते रहें। बहरहाल वक्त है आपसे बाय बाय कहने का, सो कीप लिसनिंग रेडियो डान फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के, मंजिलों को छीन ले, गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं।